लाइट मिलती, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि MPVs काफ़ी पॉपुलर डिमांड में है इंडियन मार्केट में, एंड काफ़ी सारी कंपनी नई नई अपनी MPV निकाल रही है। तो आज जो हम गाड़ी चला रहे हैं, दिस इज़ दी ऑल न्यू 2022 फेसलिफ्टेड मारुति सुजुकी XL6। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस करी गई हैं, कंपनी ने क्या चेंजेस करी है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, वो सब बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दी ऑल न्यू XL6 के फ्रंट एंड के बारे में। और यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा ये LED का हेडलाइट, जो कि बदला नहीं गया। इनफैक्ट पूरा क्लस्टर जो है वो LED का है। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ DRLs मिल जाते हैं जो LED में, हाई बीम, लो बीम, सब कुछ आपको LED में मिलता है। बट आपको जो इंडिकेटर का बल्ब है वो सिर्फ आपको हैलोजन में मिलता है। उसके अलावा जो चीज़ चेंज हुई है, दैट इज़ द फ्रंट ग्रिल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ा सा क्रोम का स्लैब दिया गया है, एंड आपको एक बहुत ही बड़ा मारुति सुजुकी का एक लोगो मिलता है। उसके ठीक नीचे यू गेट अ कैमरा, सो दैट इज़ द फ्रंट कैमरा। इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा का एक फीचर मिलता है, एंड दैट कैमरा जो आगे की तरफ लगा हुआ है वो आपको जो ट्रैफिक में, पीक ट्रैफिक में आपको जज करने के लिए सामने की गाड़ी से जितना डिस्टेंस है वो, दैट एक्चुअली इज़ रियली हेल्पफुल। अदर देन दैट आपको मिलता है एक ऐसा स्पोर्टी सा बम्पर, फॉग लाइट जो कि LED है, और ये जो फॉग लाइट की हाउसिंग है ये भी नई है जो कि पुराने XL6 में थोड़ी सी अलग है इसमें। तो आप यहाँ सामने की तरफ देखेंगे तो ग्रिल है नया, और ये जो फॉग लाइट के चारों तरफ जो हाउसिंग का डिज़ाइन है, इसके चलते XL6 जो है सामने से अब और अच्छी लगने लगी है। तो बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं करी गई। इनफैक्ट एक जो मेन चीज़ जो चेंज करी गई, जो आपको अट्रैक्ट करेगी इस गाड़ी की तरफ, एंड दैट इज़ ये जो अलॉय व्हील्स आप देख रहे हैं, 16 इंच के अलॉय व्हील्स है, मशीन कट अलॉय व्हील्स, जो कि काफ़ी अच्छे, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट व्हील्स आप देख सकते हैं कि ओवरऑल गाड़ी के साइज़ के हिसाब से भी बहुत अच्छा ही लग रहा है। आपको बॉडी कलर ORVM मिलता है जिसमें इंटीग्रेटेड इंडिकेटर है। उसके ठीक नीचे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऑब्वियसली 360 डिग्री कैमरा, तो आपको कैमरा आगे की तरफ मिलता है जो मैंने बोला था, दोनों ORVM पे मिलते हैं और एक पीछे तरफ मिलता है, तो यहां पे आपको कैमरा मिलेगा। उसके अलावा क्रोम आप देख सकते हैं कि सिर्फ डोर हैंडल पे मौजूद है, इनफैक्ट क्रोम कहीं भी मौजूद नहीं है विंडो के चारों तरफ। रूफ रेल्स मिलते हैं जो कि फंक्शनल है, एक शार्क फिन एंटेना मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी क्लैडिंग मिलती है ब्लैक कलर की। उसके साथ आपको यहाँ पे सिल्वर कलर का एक एक्सेंट मिलता है, एंड XL6 जो है इसको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है अराउंड 185 mm, दैट इज प्रीटी डिसेंट। यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिल जाएगा, तो ये जो ग्लास आप देख रहे हैं UV प्रोटेक्टेड ग्लास है, आप देख सकते हैं हल्का ग्रीनिश है। इनफैक्ट आपको सिर्फ ये यहाँ पे जो साइड के ग्लासेस है आगे और पीछे नहीं मिलेगा, ये जो है अराउंड 83-84% ऑफ UV रेज रोकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। एक्चुअली अंदर बैठ के डिफरेंस आपको पता चलेगा जब आप ग्लास नीचे करेंगे और डायरेक्टली सनलाइट लगती है, उसके बाद अब जब ग्लास ऊपर करेंगे तो बिल्कुल मतलब हीट जो आती है वो एकदम से गायब हो जाती है। इनफैक्ट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो आएगा ही, बट मोस्ट ऑफ इट इज स्टॉप बाय दिस ग्लास। उसके बाद दोस्तों, ये जो XL6 है आपको 9 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल मिलेगी, जिसमें आपको 3 डुअल टोन कलर मिलेंगे, एंड ये जो कलर है दिस इज द नेक्सा ब्लू। तो चलिए कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताइए कि आपको ये कलर और ये साइड प्रोफाइल गाड़ी का कैसा लगा। तो अब हम बात करेंगे लास्ट बिट ऑफ द एक्सटीरियर, जो कि है गाड़ी का रियर एंड। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो नहीं मिलती हैं वो है, सबसे पहले आप ये क्रोम स्ट्रिप देख रहे हैं, ये नया है। उसके अलावा आप ये जो टेल लाइट्स देख सकते हैं, ये स्मोक टेल लाइट्स है। इनफैक्ट टेल लाइट का डिज़ाइन नहीं चेंज किया गया, बट ये टेल लाइट को स्मोक कर दिया गया। इनफैक्ट ये जब आप पहले देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा टेल लाइट है, पूरा रेड होता था तो थोड़ा अजीब सा लगता था, बट अभी ये स्मोक्ड इफेक्ट LED के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट रात को टेल लाइट काफ़ी अच्छे से इल्यूमिनेट करते हैं और गाड़ी को पीछे से काफ़ी स्पोर्टी लुक देते हैं। उसके अलावा आपको मिलता है एक रियर वाइपर अलॉन्ग विद अ वॉशर, जो कि यहाँ पे आपको एक LED स्टॉप लाइट मिल जाएगा। एक स्पॉइलर मिलता है पीछे, ऑब्वियसली शार्क फिन एंटेना मैंने बताया था, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। XL6 की बैजिंग ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे ये स्मार्ट हाइब्रिड, मैं आपको बताऊंगा गाड़ी चलाते टाइम व्हाट इज दिस, तो ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है। इनफैक्ट यहाँ पे कैमरा मौजूद है इसका, और पार्किंग सेंसर्स भी हैं जो कि काफ़ी एक्यूरेट है। अब सिंस हम लोग रेयर की बात करें तो चलिए बूट की बात करते हैं। बूट खोलने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, मतलब एक क्या, आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो खुल जाएगा बूट, बट यू हैव अ लैच ओवर हियर, इसको आप हाइड्रोलिक स्ट्रस लगे हुए हैं बूट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका बूट है, ये थर्ड रो जो है अभी ऊपर करा हुआ है, एंड ये थर्ड रो पूरा का पूरा रिक्लाइन किया गया है पीछे। तो उसके बाद आपको मिलेगा 209 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें आप या तो ये बैकपैक के साथ ये एक लगेज बैग जो कैबिन बैग होता है वो रख सकते हैं, नहीं तो आप एक ही सिर्फ बड़ा साइज का सूटकेस रख पाएंगे। तो अगर आपको और जगह चाहिए तो आप ये सीट को फोल्ड डाउन कर सकते हैं। फोल्ड डाउन करने के लिए आपको यहाँ पे कोने में एक लीवर दिया गया है, इसको आप ऐसे करके पूरा फ्लैट कर सकते हैं। एंड आपको अगर ऊपर करना है वो, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रैप है इससे आप ऐसे करके खींच के ऊपर कर सकते हैं। इनफैक्ट रिक्लाइन करने के लिए भी इस लीवर को ऐसे करके आपको रिक्लाइन करना है, एंड फोल्ड होने के बाद आपको करीब 550 550 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। इनफैक्ट वो भी
भी आपके लिए अगर काफ़ी नहीं है तो आप सेकेंड रो जो कैप्टन सीट से उसको भी फोल्ड डाउन कर सकते हैं। उसको फोल्ड डाउन करने के बाद आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 700 लीटर का बूट स्पेस हो जाएगा। एंड बूट लिड की बात करें तो इट इज स्लाइटली हैवी, उतना भी लाइट नहीं है, बट बंद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम आ चुके हैं थर्ड रो पे एक्सेल 6 की, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं आराम से बैठा हूँ। इनफैक्ट मैं आपको मेरी हाइट बताता हूँ, आई एम 6'1" एंड उसके हिसाब से मैं आराम से बैठा हूँ, बिकॉज ये जो सीट है ये हल्की सी मैंने आगे करी हुई है। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे इतना बंदा यहाँ पे नहीं बैठ सकता। इनफैक्ट अगर 6-6 फुट के बंदे हैं, इनफैक्ट टॉल बंदे हैं, तो थर्ड रो में तो मुश्किल होगा बैठना। तो थर्ड रो मैं अपने हिसाब से तो मैं बच्चों के लिए या फिर जो शॉर्ट हाइटेड है उनके लिए छोड़ूंगा। इनफैक्ट यहाँ पे सीट जो है वो उनका कुशनिंग काफ़ी अच्छा है, बैकरेस्ट काफ़ी अच्छा है, हेडरेस्ट भी है जो कि एडजस्टेबल है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कप होल्डर्स मिलते हैं दोनों साइड पे, 12 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट मिलता है, लेकिन आपको इंडिविजुअल एसी वेंट नहीं मिलता है थर्ड रो के लिए। जो एसी वेंट है वो सेकंड रो के इधर ही मौजूद है, 4 वेंट्स मौजूद है, आप उसमें से डिसाइड कर लीजिए आपको अपने हिसाब से जिस जो भी वेंट जहां पे रखना है आप लोग अपने हिसाब से, अगर आप लड़ना चाहें या जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको अगर ये सीट को आगे जाना है और निकलना है बाहर, जैसे फोल्ड आउट करना है, तो यहाँ पे जैसे पीछे वाली सीट को फोल्ड डाउन करने के लिए एक लीवर था, यहाँ पे भी एक लीवर है, तो आप इसको ऐसे करके फोल्ड डाउन कर सकते हैं एंड फिर आप आगे करके आप एग्जिट कर सकते हैं इस सीट से। सो इनफैक्ट थर्ड रो जो है मैं बोलना चाहूँगा कंफर्टेबल है, बट लंबे लोगों के लिए नहीं बनाया। इनफैक्ट अगर लंबा आदमी एक ही बैठ सकता है वो थोड़ा डायगोनल साइड होकर बैठ जाएगा तो भी मुश्किल होगी कितनी देर आप लंबा बैठ लेंगे। भाई कंफर्ट है, फीचर्स हैं, बट हेडरूम भी है, बट लेगरूम में थोड़ी सी कमी है। तो अब हम आ चुके हैं सेंटर रो पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इंडिविजुअल कैप्टन सीट्स मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। इनफैक्ट इसका नाम भी एक्सेल 6 इसीलिए क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीट है, इंडिविजुअल कैप्टन सीट मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि एसी वेंट यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आपको इसका फैन सेटिंग है जिसमें आपको 3 सेटिंग दी हुई है, 4 एसी वेंट है पीछे वाले के लिए और आप लोगों के लिए जो थर्ड रो सेकंड रो के लिए। इनफैक्ट यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा जो कि 12 वोल्ट का, एंड थोड़ी सी जगह मिलेगी जहाँ पे अपना वॉलेट या फिर अपना फोन जबकि चार्ज कर रहे हैं वो रख सकते हैं। उसके अलावा ये जो सीट्स हैं इनफैक्ट वेरी कंफर्टेबल, अन्यथा सपोर्ट अच्छा है, बैकरेस्ट अच्छा है, साइड बोल्स्टर्स भी अच्छे हैं। इनफैक्ट इसमें देख सकते हैं एडजस्टेबल आर्मरेस्ट भी दिया गया है। उसके अलावा ये सीट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं एंड रिक्लाइन भी कर सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए लेटना है तो आप आराम से रिक्लाइन करके आप बिंदास सोने जा सकते हैं। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल एंड लॉन्ग जर्नी में अगर आप जा रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर 4 लोग जा रहे हैं तो बिंदास इस गाड़ी में बैठ के आराम से लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं फ्रंट सीट पे जो कि है ड्राइवर सीट एंड कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि नई है इसके अंदर। सबसे पहले चालू करेंगे जो कि नई नई चीज़ें इसके अंदर फिट करी गई हैं एंड दैट इज़ अब एक्सेल 6 को आगे की दोनों सीट जो है वो वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है जो कि कूल्ड है। हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स कौन ही देगा, मतलब गर्मी देखिए इतनी ज़्यादा हो रही, 40 डिग्री पहुँच रहा है। उसके हिसाब से जब आप गाड़ी में बैठते हैं और ये 2 मिनट चालू करते हैं, यहाँ पे आपको 2 बटन दिए गए हैं। इनफैक्ट चार्जिंग सॉकेट भी है उसके आसपास, लेकिन बीच में दोनों चार्जिंग सॉकेट के आपको सीट का बटन दिया जाएगा। इसमें आपके पास 3 फैन के स्पीड हैं, इसका जो कूलिंग के लिए 3 स्पीड है, आपको जिस भी स्पीड में लगाना आप सेट कर लीजिए, बहुत ठंडा हो रहा है आप कम कर लीजिए, बट इट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट फीचर, स्पेशली आप एक ह्यूमिड सिटी में अगर रहते हैं तो आपको बहुत काम आने वाला ये। तो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड जो है की है ट्रिपल टोन है, डैशबोर्ड का जो लेआउट है वो काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट चेंज किया गया है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि एसी वेंट के साथ एक लाइन में हो जाते हैं। इनफैक्ट ऑब्वियसली एसी वेंट आप ऊपर नीचे करोगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा अजीब सा दिखेगा, बट इट इज़ अ कंटिन्यूएशन। एंड ये जो 2 बीच के एसी वेंट है इसके ठीक बीच में आपको ये 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और कई सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ी के बारे में मिल जाएंगी, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अभी बैठने बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इनफैक्ट काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ है। उसके ठीक नीचे आपको आपका क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जो कि एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है एंड नीचे जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे आपको चार्जिंग सॉकेट और आपको आपके वेंटिलेटेड सीट्स के बटन। इनफैक्ट ये गाड़ी एक वायरलेस चार्जर मिस करती है जो कि होना चाहिए था, मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में और ये सेगमेंट में एक वायरलेस चार्जर तो देना ही चाहिए था। लेकिन कप होल्डर जो है, कप होल्डर में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, कप होल्डर में आपको कूल्ड कप होल्डर भी मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे इसमें एक वेंट भी दिया गया है, वेंट का स्विच दिया गया है कप होल्डर में, जिसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कम हवा चाहिए कप होल्डर में। इनफैक्ट इट्स एक्चुअली वेरी गुड फीचर। गियर लीवर और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंटर आर्मरेस्ट है, छोटा सेंटर आर्मरेस्ट है, आप इसको स्लाइड करके आगे पीछे कर सकते हो आपके हाथ के अकॉर्डिंगली, लेकिन अगर आप पीछे करके इसे खोलेंगे तो आपको एक छोटा सा कभी होल दिखेगा जो कि बहुत ही छोटा है। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटा डेमो दे देता हूँ, ये देखिए ये एक फ़ोन है एंड इसको मैंने पूरा डाला फिर भी ये इतना बाहर है,
तो इतना छोटा ये तो आप मतलब बेसिकली आपको चेंज रखना है, छोटी मोटी चीज रखनी तो वही रख सकते हैं। इनफैक्ट उसके अलावा इसमें कुछ नहीं आ सकता है। क्लस्टर आपका वही सेम पुराना वाला है, एनालॉग और डिजिटल वाला, जिसमें बीच में आपको एमआईडी स्क्रीन मिलती है जिसमें काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। एंड जो दोनों साइड है, वन इज अ टैकोमीटर एंड वन इज द स्पीडोमीटर। स्टेयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम है, स्टेयरिंग कंट्रोल्स मौजूद है यहाँ पे। इनफैक्ट कम्युनिकेशन के लिए आपको फोन कट करने के लिए, उठाने के लिए, वॉइस कमांड देने के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ इस जगह पे आपको तीन बटन दिए गए जो कि काफी अच्छे से एक्सेसिबल है। आपको बस ऐसे टैप करना है बटन को और मतलब कॉल उठ जाएगी, कट जाएगी, व्हाटएवर। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ द एक्सएल 6। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए, ये एक बहुत ही लेटेस्ट एडिशन है इस गाड़ी के लिए। एंड यहाँ पे आपको एक एम मोड मिलेगा, वो तो मैं आपको ड्राइविंग करते हुए बताऊंगा कि ये डी और एम मोड क्या करता है और ये पैडल शिफ्टर्स का शिफ्ट वगैरह कैसा है। सो यार दैट्स दी एंटायर लेआउट। काफी अच्छा कैबिन है, काफी ड्राइवर फ्रेंडली कैबिन है। तो चलिए अब मैं गाड़ी चलाता हूँ और आपको इस गाड़ी के बारे में और बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दी ऑल न्यू XL6 के ड्राइविंग सीट पे। एंड सबसे पहले मैं आपको इसका एक इंजन का ब्रीफ दूंगा। सो दिस इज पावर्ड बाय 1.5 लीटर K सीरीज डुअल जेट VVT इंजन जो कि पंप आउट करता है 101 BHP ऑफ पावर एंड 137 NM ऑफ पीक टॉर्क। और ये जो इंजन है ये मेटेड आता है एक 5 स्पीड मैनुअल या तो फिर एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। अब इसमें नया क्या है, ये जो गियरबॉक्स है 6 स्पीड ऑटोमेटिक, हम लोग ऑलरेडी मैनुअल चला चुके हैं, बट ये जो हम अभी चला रहे दिस इज द 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। एंड इससे पहले जो गियरबॉक्स था इसमें इट वाज अ 4 स्पीड। सो दिस गियरबॉक्स इज न्यू और ऑब्वियसली इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले मैं चालू करूंगा स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग इसका जो स्टीयरिंग का फीडबैक है इस गाड़ी का, इट इज डिसेंट, इट्स नॉट दैट गुड, बट ऐसा है कि आप अगर फास्ट लेन चेंज करना चाहेंगे तो बहुत स्विफ्टली चेंज नहीं कर सकती ये लेन, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एन MPV, इट्स अ बिग व्हीकल, बड़ी व्हीकल है। तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा मतलब स्टीयरिंग ऐसे तो स्पोर्टी है बहुत ज्यादा, बिकॉज आपके पास फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, प्लस 10 o'clock और 2 o'clock पे आपको ग्रिप दिया गया है जो कि काफी अच्छा, मतलब इट हैज गॉट रियली गुड ग्रिप टू इट। एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। इनफैक्ट अगर मैं देखिए थोड़ा सा मैं लैग नहीं बोलूंगा बट उतना शार्प नहीं है इसका स्टीयरिंग। सो एनीवे कंटिन्यूइंग टू द सस्पेंशन। सो सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन जब आप कम लोग बैठे, जब आप मतलब मान लीजिए अकेले जा रहे हैं या तो फिर आपके साथ एक या दो लोग और बैठे हुए, तब आपको लगेगा कि थोड़ा सा स्टिफ है सस्पेंशन, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन ये ट्यून किया गया है एक फैमिली कार है, तो जब आप भर के चलते हैं, मतलब छः सीट ऑक्यूपाइड है एंड गाड़ी पर लोड है, तब आपको सस्पेंशन तब जब हल्का सा बैठेगा देन इट विल गिव दैट फ्लश राइड, दैट सॉफ्ट राइड। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा दैट द सस्पेंशन इज सॉफ्ट आप अगर अकेले चला रहे हैं, बट एनीवे इट अब्सॉर्ब्स ऑल द बम्प्स एंड द पॉटहोल्स जो भी आपको सिटी ऑफर करती है, जो भी मतलब गड्ढे हैं शहर पे, पॉटहोल्स हैं या फिर पत्थर या फिर ब्रोकन रोड्स हैं, वो सब काफ़ी ईजिली अब्सॉर्ब हो जाती है। इनफैक्ट कैबिन नॉइज़ की बात करें तो कैबिन नॉइज़ जो है वो बहुत ही कम है इसके अंदर, बिकॉज इसका जो इंसुलेशन और एनवीएस लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट इंजन का जो नॉइज़ है वो पोस्ट अराउंड 3,000 मे बी पोस्ट 4,000 के आसपास थोड़ा कैबिन के अंदर आने लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आएगा कि वो आपको डिस्टर्ब करे। सो द एनवीएस लेवल्स ऑफ द कार आर रियली गुड। एंड अब बात करेंगे इसके कंफर्ट की, तो सीट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी, तो एक बार मैं आपको सीट के कंफर्ट के बारे में भी बता देता हूँ। सो अभी मैं बैठा हूँ सीट पे, ऑब्वियसली वेंटिलेटेड सीट है जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो वेंटिलेटेड सीट्स के फायदे ये हैं कि जैसे ही आप मतलब गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी धूप में खड़ी है, सीट बहुत ज़्यादा गर्म है, इनफैक्ट आपको जैसे ही सीट पे पीठ रखते हैं तो पसीना आने लगता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गर्म चटके लगने लगते हैं, तो वेंटिलेटेड सीट आप 2 मिनट चला के रखिए सीट बिल्कुल ठंडा कर देगा। इनफैक्ट यहाँ से अंदर थाई से लेकर पूरा ऊपर तक आपके पास तीन सेटिंग है दोनों साइड के लिए, पैसेंजर और ड्राइवर के लिए। सीट कंफर्ट की बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट साइड बोल्स्टर्स भी अच्छे हैं, आपको आप जब टाइट कॉर्नर ले रहे हैं तो आप सीट से इधर उधर भागते नहीं है, इनफैक्ट वो सीट आपको पकड़ के रखता है एक जगह पे। उसके साथ ही साथ आप लॉन्ग जर्नी, हम लोग अभी ऑब्वियसली हम लोग बहुत लंबा तो नहीं गए हैं इस गाड़ी में, लेकिन हम लोग जितना देर हम लोग ने चलाई ये गाड़ी उतने देर से तो हम लोग को ये बोल सकते हैं कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट ये गाड़ी बनी ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए कि आप इस गाड़ी में लोगों को भरिए और बिंदास निकल जाइए जहां भी आपको जाना है। अब ये जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है ये मतलब इट्स अ वेरी डिसेंट टॉर्क कन्वर्टर। इनफैक्ट जब आप स्टॉप मतलब जैसे मैं एक बार आपको रोक के दिखाता हूँ। सो अब मैंने गाड़ी रोक दी है और मैं एक गियर डालूंगा, इनफैक्ट कोई भी गियर मैं डालूंगा तो आप एक नोटिस करेंगे कि ये गाड़ी जो है ना हल्का सा आगे की तरफ मतलब बढ़ना चाह रही है। सो ये टॉर्क कन्वर्टर का जो है वो इफेक्ट है। एंड
चलिए अब डी पे डालते हैं। इनफैक्ट आपको डी के साथ यहाँ पे एक एम मोड भी मिलेगा, वो भी मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है, आपको ऑब्वियसली पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, मैंने पहले भी मेंशन किया था आपको ये। तो पावर डिलीवरी की बात करें तो पावर डिलीवरी काफी लीनियर है। इनफैक्ट इसका जो मिड रेंज है और जो टॉप एंड है वो मिड रेंज इज स्ट्रॉन्ग, टॉप एंड थोड़ा सा डिसेंट, मतलब इट्स नॉट वेरी गुड, बट टॉप एंड इज डिसेंट, मिड रेंज इज स्ट्रॉन्ग, हैज अ लीनियर एक्सेलरेशन। ब्रेकिंग ड्यूटी की बात करें तो ब्रेकिंग ड्यूटी जो है वो काफी एडिक्वेट है। एंड इसमें आपको जो है स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है। अब उसमें क्या मिलता है आपको, आपको एक बैटरी पैक मिलेगा जो कि ये जो पैसेंजर सीट है इसके नीचे है। सो आपको इस बैटरी के साथ कनेक्टेड मिलेगा एक आईजी का मतलब है इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। अब वो करता क्या है, वो दो चीजें करता है। तो एक तो इसमें आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप दिया गया है, तो उससे होता ही है कि जैसे ही आप ट्रैफिक में जाते हैं एंड आपने गाड़ी रोक दी, गाड़ी आइडल हो रही है, गाड़ी को मतलब अगर डी पे है और आपने गाड़ी रोक दी है ब्रेक दबा के, तो गाड़ी अपने आप ऑफ हो जाएगी। वो इसीलिए होता है क्योंकि फ्यूल सेविंग के, ऑब्वियसली पेट्रोल और डीजल के दाम तो आपको पता ही है एकदम आसमान छू रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसके लिए, बिकॉज आप कभी कभी काफ़ी लंबे सिग्नल्स होते हैं, एक डेढ़ डेढ़ दो दो मिनट के सिग्नल्स होते हैं कहीं कहीं पे, तो उसमें मतलब आपको शॉर्ट टर्म में पता नहीं चलता है, बट लॉन्ग टर्म में आप अगर कैलकुलेट करने बैठोगे तो काफ़ी फ्यूल आपका खड़े खड़े गाड़ी में सिग्नल पे उड़ जाता है। सो वो ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप ये जो ISG है सिस्टम उसके साथ। सो दूसरा काम जो है इसका, ये जो ISG का है, सो ये हल्का सा टॉर्क असिस्ट देता है गाड़ी को। तो जब गाड़ी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉर्क की जरूरत है, इनफैक्ट वो जो मोटर है जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है वो आपको थोड़ा सा टॉर्क मतलब थोड़ा सा देगा, लेकिन आपको फील बिल्कुल नहीं होगा, बट हाँ इट इज ऑब्वियसली देयर। दीज आर टू थिंग्स जो ISG करता है। सो मैं आपको दो फीचर के बारे में बताना चाहूंगा जो कि मैं मेंशन नहीं कर पाया था पहले। वन इज अ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके टायर में कितना प्रेशर है वो अकॉर्डिंगली रियल टाइम के हिसाब से दिखाता है। इसमें यूजली जो महंगी गाड़ियाँ होती है उसमें होती है, महंगी गाड़ियों में स्टेपनी में भी लगा होता है, जो कि स्पेयर व्हील है आपका, उसमें भी लगा होता है कि उसका भी टायर प्रेशर कितना है, आप उसको चेक करते रहें यहाँ पे। सो इसमें TPMS मिलेगा। और एक और चीज़ है इसमें, जो ये आपका सनसेट दिया गया है, इसमें वैनिटी मिरर है और दोनों साइड वैनिटी मिरर में आपको लाइट मिलते हैं। सो या दीज टू फीचर्स आई मिस्ड आउट, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ देम। एंड अब फाइनली बात करेंगे इस गाड़ी के माइलेज की। तो आज हम लोग को मतलब गाड़ी कुछ टाइम के लिए मिली थी, बिकॉज वी आर शूटिंग एंड वी आर लाइक ट्रैवलिंग हियर एंड देयर विद द कार, कहीं रोक रहे, सो करेक्ट फ्यूल इकोनॉमी मिलने में हम लोग को थोड़ी मुश्किल हुई आज। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो गाड़ी हम लोग को यहाँ पे कुछ 11 से 12 से अप्रॉक्सीमेटली 13 इन सिटी स्टॉप कर रहे हैं, बट हम लोग को ये गाड़ी एक प्रॉपर रोड टेस्ट के लिए मिलेगी, तब हम आपको बताएंगे कि इसका हाईवे और इसका सिटी ड्राइव में माइलेज कितना है। बट कंपनी जो है वो क्लेम करती है कि आपको 20 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा, आप मैनुअल ले या ऑटोमेटिक ले, दैट इज क्लेम बाय मारुति सुजुकी। सो या गाइज, दैट वॉज द टेक ऑन दी ऑल न्यू XL6। इट्स अ ब्रिलियंट व्हीकल, काफ़ी सारे फीचर्स हैं, एंड आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सारे नए फीचर्स XL6 में कैसे लगे। दोस्तों, दिस वॉज दी ऑल न्यू XL6, और ये MPV का जो प्राइस है वो रेंज करता है बिटवीन 11.29 लाख से लेकर 14.55 लाख तक। एंड जो प्राइसेस मैंने बताया वो एक्स शोरूम है। तो अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा और हम लोग आपको इसका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं प्रवीण सानंद करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ़।